हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो सब? मैं श्वेता स्वागत कर रही हूँ सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का स्वागत है। और कैसे हो सब? आज मैं भी आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि मॉर्निंग हो चुकी है। फोन दू चलो ना, पहले यूनिफॉर्म पहनू ना। चलो आ रही हूँ। तो हमारी सानवी बिटिया नहा धुला के आ चुकी है, तो मैं भी जाऊँगी सानवी को रेडी करने। और इधर मैं बना रही हूँ खाना, तो खाने में बना रही हूँ पनीर, क्योंकि सबको लंच ले जाना रहता है। तो रोज़ रोज़ एक ही चीज़ देना अच्छा ही नहीं लगता, बिल्कुल अजीब लगते रहता है। तो इधर हमारी पनीर फ्राई हो चुकी है और इधर मसाला फ्राई करने की तैयारी चल रही है। तो मैं फटाफट बना रही हूँ। और इधर सानवी हमारी नहा के भी आ चुकी है, तो मुझे सानवी को यूनिफॉर्म भी पहनाना है। देखो, सानवी को खाना भी खिलाना है और सानवी को पता नहीं कौन चीज़ में से गिरा है, सानवी को स्कूल भी छोड़ना है। अभी हमारे पास ट्रिपल काम है सानवी को लेके। तो चलिए पहले मैं फटाफट बनाती हूँ। तो हमारा सब्जी बन के हो गया रेडी। अब जा रही हूँ सबका लंच लगाती हूँ और सानवी को छोड़ने जा रही हूँ। देखो, अभी देखा पहले लंच दे पैक कर दूँ, नहीं तो सबका लेट हो जाता है, टाइम ओवर है। चूल्हा भी गंदा हो जाता है सुबह सुबह। देखो अभी बज गया है 11+ हो गया है, 11:15 हो रहा है। और मैं भी नहीं जला है, मैं खाने के लिए आई हूँ। तो सानवी बोल रही है मैं नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी पिज्जा बर्गर। मैं भी लाई थी इसके लिए पूरी और पनीर की सब्जी, जो कि सुबह में बनाई थी, आप लोगों ने देखा ही है। सैंडविच खाएगी, सुन रहे हैं, सैंडविच या पिज्जा। कल पिज्जा के चक्कर में हाथ जला है, दिखाओ तो फोड़ा सबको। इधर आओ, देखिए बेटा का फोड़ा। कल मेरा बच्चा कितना रोई हूँ पिज्जा का, ठीक से। और पर देखिए गाइस, कैसे इसका ऐसे छाला यहाँ पर पड़ा है, पूरा फोका दिख रहा होगा शायद। हाँ, सबको दिख रहा है। और इधर लाल कर रखी है तरवा, दोनों ये अंगूठा और ये जलाई है सानवी। और फिर से पिज्जा बोल रही है, अब पिज्जा पिज्जा नहीं बनाएंगे, फेंक देंगे पिज्जा पिज्जा को, मम्मी का फेंक देंगे। 11:15 सुबह से इतना बिजी रहते खाने। क्यों रखी हो? बाल में शैम्पू किए है ना, मेहंदी लगाए थे कल, मतलब नहाते नहाते 10:30 हुआ। मानवी को छोड़ी, इसको लाने गई, इसको लेके आई, तभी खाना खाऊ। हाँ पहले खा लेते ना हम दोनों माए बेटे, दोनों माए कौन कौन खाएगा? हाँ। सानवी खाएगी और कौन खाएगा? चलो गाइस चलो खा लेती हूँ। इतना तेज धूप था, बस मुंह को ऐसे सिर्फ बांधे है तो मानवी पहचान नहीं रही है। हम मानवी करके इशारा कर रहे हैं और मानवी उधर देख रही है। हाँ क्या था जा, हम गड़िया कहाँ लगाए हैं? अच्छा, सबसे लास्ट में है हमारा गाड़ी। तो चलो, बहुत गर्मी है, फिर से धूप निकल गया है। तब से बादल थोड़ा छाया था, लेकिन धूप कोहरा मचा के रखा है। मानवी अपना गाड़ी पहचान गई है, किसी की बात है। चलो, तो बच्चे लोग का आदत हो गया है स्कूल से रिटर्न हो, मम्मा कुछ खरीद दो, तो चिप्स खरीद रही है यहाँ पर मानवी। जी मम्मा ले लो, तुम अपने लिए सानवी के लिए ले लो। अभी देखो भी दोपहर से इवनिंग हो चुका है, मैं तो मानवी को स्कूल से लाने के बाद थक जाता है मन। बच्चे लोग को खाना खिलाया, वीडियो अपलोड की और सो गई। और अभी हमारे यहाँ मानवी तो जग गई है, मैडम आने वाली है इनकी, तो मैगी वगैरह बना दी थी, खाली है। और लेकिन सानवी हमारी अभी तक सो रखी है। हमारे यहाँ इतनी गर्मी है, जो शाम के 5 बजे भी ऐसे ही चलाना पड़ रहा है। गर्मी से राहत नहीं मिल रही है भाई। तो चलो हम फिर चलते हैं किचन में, तब तक फटाफट नाश्ता बनाते हैं कुछ, क्योंकि पति देव आएंगे ड्यूटी से। तो आज मैं कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ, जो कि आप लोग को दिखाऊंगी क्या बना रही हूँ। की दाल की बड़ा और छोला बनाने वाली हूँ, ठीक है? तो फटाफट चलती हूँ बनाने। तो यहाँ पर मैं पूरा वीडियो नहीं डाल रही थी, थोड़ी सी क्लिप दिखा रही थी, क्योंकि पूरा वीडियो डालूंगी तो ब्लॉग बड़ी हो जाएगा। अगर आप लोग बोलोगे बड़ा उड़द की दाल की कैसे बनाती, तो फिर मैं रेसिपी डाल दूंगी। तो इसमें मैं प्याज, कढ़ी पत्ता और थोड़ी सी अदरक और लहसुन, यही सब, मतलब अदरक, कढ़ी पत्ता और प्याज डाल के। और मैंने जादुई किचन दीदी को देखी थी ऐसे कटोरी पे डाल के बनाते हुए, तो मैं भी ट्राई की, लेकिन ये सही नहीं था, इससे अच्छा तो हाथ पे बन जा रहा था। देखो यहाँ पे हमारी छोले बन के हो गई है मटर की तैयार। और यहाँ पे मैं कराड़ी बड़ा बना ली हूँ और इधर भी तल रही है, तो इसे मैं पहले जा रही हूँ पति देव को देने के लिए खाने के लिए। देखो रेडी हो गई है, आज खाने दिए तब पूछ रहे कैसा बना है, अच्छा है? उस दिन बोले थे ना पेट में जाएगा, तब तो पता है कितना चल गया है। मार्केट जा रहे हैं हम ये लोग ना, ए जानू आप हमसे वादा कर दिए हमको कुछ गिफ्ट दीजिएगा, कब दीजिएगा? अब तो दुर्गा पूजा आ रहा है अगले वीक। ए मैनेजर साहब,
कुछ कहिए ना, कब दीजिएगा? देंगे आपको, ला के देना है सरप्राइज। कब कब दीजिएगा? अगले वीक देंगे। अगले वीक पक्का? नहीं दीजिएगा तब बतियाएंगे। तो देखते हैं, जबरदस्ती गिफ्ट ले रहे हैं सरस्वती देव से। ठीक है, मानवी आ रहे हैं मार्केट से। चलिए आपके लिए थपड़ा। चलो बैठो, मोबाइल चार्ज लगा देते हैं। इतनी गर्मी है, मार्केट से आने के बाद हालत हो गई हम दोनों की खराब, सिर्फ सब्जी खरीदने में। तो पतिदेव कोल्ड ड्रिंक्स पीने का उपाय कर रहे हैं। डालिए डालिए, पीते हैं, मजे लेके फिर खाना उना बनेगा। नाश्ता तो हो गया टाइट, खाना थोड़ा बहुत बनेगा, छोला है, देखते हैं फिर क्या बनता है। तो गाइज, हमारा खाना पीना हो गया है। और मैं क्या, रोज़ खाने के बाद जब सोने जाती हूँ तो मुझे दूध बॉयल करना याद आता है। तो अभी मैं दूध को बॉयल करने के लिए चढ़ा दी हूँ, क्योंकि मेरे सारा बर्तन दूध से फूल है, कोई पी रहा है नहीं आज। और अभी मैं जा रही हूँ सोने। तो आज जो लोग जितिया का व्रत रखे उनका तो कल 10 बजे 10:30 बजे पारण होगा। तो इस व्रत में पारण का ये मतलब होता है, जो जो हमारा पारण का टाइम होता है उस टाइम हम मुंह में दत्वन करते हैं, उसी को पारण बोला जाता है। सबसे पहले दत्वन ही उस टाइम में लगाना रहता है जिस टाइम में पारण का टाइमिंग रहता है। सबसे बड़ा पर्व यही है जिसमें कि टाइमिंग के ही अकॉर्डिंग ही पारण करना होता है, सब कुछ मुहूर्त के हिसाब से। जितना देर अष्टमी तिथि रहेगा उतना देर फास्ट रखना होता है, बहुत सारा नियम है जितिया व्रत के, तो उस टाइप से करना पड़ता है। तो चलो, और मैं भी जा रही हूँ अभी सोने के लिए, और आप लोगों से फिर कल मिलूँगी। कल एक और स्टोरी आप लोगों को सुना दूँगी, जो स्टोरी हमारी होगी, किसकी किसकी होगी वो कल पता चलेगा। चाहे बता देती हूँ, सुखिया दुखिया की कहानी सुनाऊँगी, बहुत ही बढ़िया है सुखिया दुखिया की कहानी। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं। आप नेक्स्ट व्लॉग को जरूर सुनिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। फिर मिलती हूँ, गुड नाइट, शुभरात्रि ऑल ऑफ़ यू।